नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे आकाश का जादूगर, जो कि राम रहीम और क्रुकमान की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तुरंत ही वो इस समय इसी शहर की एक इमारत के सामने उन्हें पृथ्वीवासियों के साथ एक कार में बैठा हुआ है। अब जेम्बो के साथ वाले पृथ्वीवासी भी नहीं बच पाएंगे। आओ अगले ही क्षण खट भड़ाक भड़ाक सूम। इधर सीक्रेट सर्विस की इमारत के बाहर राम भैया को अंदर गए 20 मिनट गुजर चुके हैं। जाने इतनी देर क्यों लगा दी। वो सुपर सूट पहनने गया है प्यारे, उसे पहनकर वो बाहर आएगा अचानक। तभी अरे ओ नो, हमसे बचकर भागना इतना आसान नहीं है जेम्बो। ओह, आगे बढ़कर पृथ्वी के इन दोनों कीड़ों को दूर फेंक दो कालदू, मैं जेम्बो को बंदी बनाता हूं। ओके, उसी पल मेरे होते तुम जेम्बो की परछाई को भी नहीं छू सकते कुत्तो। हवा में उछला बाण, लेकिन अरे बाप रे, तुरंत ही नीचे आ गिरा धड़ाम। हाय मर गया रे। हमारा शरीर मैग्नेटिक किरणों के घेरे में है, कोई हमें छू भी नहीं सकता। अबे सत्यानाश हो तेरा, सारी कमर तोड़ डाली। हाय, इधर कालदू मोटू को उठाकर दूर फेंक चुका था। बचाओ, ओह। अगले पल सू, ओह, अब तुम ग्रीवा किरणों की कैद में हो जेम्बो, तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता। उफ। फिर थॉडस ने भी उसे थाम लिया। महामहिम टेरेंटो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे जेम्बो। अगले क्षण दोनों ने अपने पैरों में बंधे पावर रैकेट चालू कर दिए। ओह ओह, तभी मैं तुम्हें इतनी आसानी से जेम्बो को नहीं ले जाने दूंगा। ओह ओह, ये पृथ्वीवासी तो जेम्बो को पकड़कर लटक गया। लटका रहने दो, शायद जेम्बो के साथ इसकी भी मौत आई है। ठीक उसी पल नीचे राम अपना सुपर सूट पहनकर बाहर निकला। उसे देखते ही मोटू चीख पड़ा, राम भैया जल्दी करो, वे जेम्बो और बाण भैया को लेकर जा रहे हैं। किधर? उधर। ओह, बिना एक पल भी गवाए राम सुपर सूट की मदद से ऊपर उड़ने लगा। मैं उन्हें हरगिज भी सफल नहीं होने दूंगा। अगले ही कुछ क्षणों में बस बहुत हो गया कुत्तो। वाह राम भैया, वो मारा पापड़ वाले को। तुरंत ही थॉडस ने अपनी लेसर गन निकाल ली। तुम बचोगे नहीं पृथ्वीवासी, मैं तुम्हें मोम की भांति पिघला दूंगा। फिर इससे पहले कि थॉडस राम पर लेसर गन से वार कर पाता, तड़प कर जेम्बो को छोड़ दिया दोनों ने। आ उफ, तभी राम चीख पड़ा, ओह कुर्कमान जल्दी से अपनी सुपर कार को ऊपर बुलाओ। मारे गए बड़े भाई, इतनी ऊंचाई से गिरकर तो हम दोनों का मुरब्बा बन जाएगा। तभी राम चीख पड़ा, कुर्कमान जल्दी से अपनी सुपर कार को ऊपर बुलाओ। अरे हाँ, सुपर कार को तो मैं भूल ही गया था। मिस्टर होल्डोल, हमारी मदद करो जल्दी। ओके मास्टर, तुरंत ही धप। वाह मेरी सुपर कार, वाह तुम महान है, ग्रेट है। अपनी कार को उधर ले चलो कुर्कमान, राम उन दोनों को अधिक देर तक मुकाबला नहीं कर सकेगा। ओके, अब मेरे साथ सुपर कार है। अगर मैंने इन दोनों को छट्टी का दूध याद ना दिला दिया तो मेरा नाम कुर्कमान नहीं। कुर्कमान के आदेश पर मिस्टर होल्डोल ने कार को तुरंत ही वापस मोड़ा और दूसरे क्षण धड़ाक आ, किसी तरह इनके पैरों से बंधे रॉकेट को निकाल लो, फिर ये हमसे बचकर नहीं भाग सकते। ओह, तो इनकी शक्ति इनके रॉकेटों में है। मैं अभी इनके रॉकेटों को निकालने का इंतजाम करता हूँ। मिस्टर होल्डोल, समझ गए ना कि हम क्या चाहते हैं? यस मास्टर। तुरंत ही सुपर कार के अगले हिस्से से
तो इस बात के हाथ निकले और अगले ही क्षण खटाक खटाक रॉकेट निकलते ही, लेकिन उसी पल खट, हम तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मरने देंगे बेटा, अभी तो तुझसे बहुत से हिसाब चुकाने हैं। वाह सचमुच कमाल कर दिया तुमने। ये तो कुछ भी नहीं है हुजूर, कमाल ही देखना है तो बड़े भाई की तरफ देखिए। और राम की तरफ देखते ही जेम्बो चौंक पड़ा। अब तू मेरी सुपर स्पीड से नहीं बच सकता। ओह ओह इसे रोकना होगा कुर्कमान, वरना ये अपनी सुपर स्पीड से राम को खत्म कर देगा। ओह आज तेरी परीक्षा का समय है होल्डोल, तुझे किसी भी हालत में अंतरिक्ष मानों को राम से टकराने से रोकना है। सुपर कार तुरंत ही तोप से छूटे गोले की भांति आगे बढ़ी और एक पल के 100वें हिस्से से पहले ही ओह ये कार बीच में कहां से आ गई। थॉडस के लिए बचने का कोई मौका ना था। भड़ाक आह तो उससे छूटे गोले की सी रफ्तार से वो आ टकराया सुपर कार से। उसी क्षण राम बिजली की गति से संभला और बस बहुत हो चुका। दूसरे ही क्षण थॉडस से टकराने के बाद सुपर कार क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। हमें तुरंत नीचे उतरना होगा मास्टर, इस हालत में हम अधिक देर तक नहीं उड़ सकते। ठीक है तुम कार को नीचे उतार सकते हो। थैंक यू मास्टर। तभी अचानक भड़ाक ओह कि ये उसके शरीर के परखच्चे कैसे उड़ गए। इसका पावर मैकेनिज्म नष्ट कर दिया गया है, इसीलिए ऐसा हुआ है। अगले पल जेम्बो के चेहरे पर दहशत विराजमान होती चली गई। ओह टेरेंटो ग्रहवासियों के पावर मैकेनिज्म को तो सिर्फ टेरेंटो ही नष्ट कर सकता है। इसका मतलब टेरेंटो कहीं आसपास ही है। क्या हुआ बड़े भाई, मुझे लगता है टेरेंटो को मेरा पता लग चुका है। इसमें घबराने की क्या बात है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर उस टेरेंटो का टमाटो सूप ना बना दिया तो मेरा नाम कुर्बान नहीं। अब कहां चल रहे हो बांट? अपने घर, वहां सुपर कार में आई खराबी को ठीक करके आगे का प्लान बनाएंगे। ठीक है। कुछ देर बाद अंकल आंटी कहां चले गए, कहीं इधर उधर ही गए होंगे। उसी क्षण ओह 3D यंत्र, वो वॉइस इमेज एंड ट्रांसमीटर, इसके यहां होने का क्या मतलब। अगले ही पल खट और फिर मैं जानता था जेम्बो तुम यहां जरूर आओगे। मैं इस घर के मालिक धमाका सिंह एवं उसकी पत्नी को अपने कब्जे में कर चुका हूं और उन्हें अपने साथ ले जा रहा हूं। अगर तुम मुझे तुरंत ही अपने यान के पास आकर नहीं मिले तो मैं इन्हें वार्म किरणों से जलाकर राख कर दूंगा। इसके साथ ही आवाज आनी बंद हो गई। कौन था ये टेरेंटो? अब क्या होगा, आओ देखते हैं क्या हो सकता है। जल्दी आओ जेम्बो आओ, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। इन्हें छोड़ दो। छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने आप को मेरे हवाले करना होगा। अगर कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इन दोनों के साथ साथ इन तीनों को भी मार डालूंगा। ठीक है, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूं। ये क्या बड़े भाई, हमारी जान के बदले अपनी जान का सौदा कर रहे हो? ऐसा करना जरूरी है दोस्तों? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम्हें बचाने के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम। ओह अब अपने मम्मी पापा को लेकर फौरन यहां से निकल जाओ। टेरेंटो के सामने अधिक देर ठहरने का मतलब तुम सबकी तबाही होगा। जेम्बो ठीक कह रहा है कुर्कमान, हमें फौरन निकल लेना चाहिए। राम ये तुम क्या कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूं कुर्कमान, चलो यहां से। अगले पल अब मैं तुझे अपने ग्रह की तबाही का भरपूर दंड दूंगा जेम्बो। ले संभाल मेरा पहला वार। भड़ाम मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा जेम्बो, तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं तुझे। भड़ाक उफ। इधर बाहर तुम सच कह रहे हो राम भाई? हाँ मैं कायर नहीं हूं बाण,
जो जरा सी मुसीबत आते ही भाग खड़ा हूँ। मैं वहां से सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि वहां खड़े रहने से अंकल आंटी की जान के साथ साथ जेम्बो की जान को भी खतरा हो सकता था, लेकिन जेम्बो तो अभी भी मौत के चंगुल में फंसा होगा। अब हम दोनों जेम्बो को मौत के चुंगल से बचाएंगे। अगले पल तुम मम्मी पापा को यहां से ले जाओ मोटू, हम जेम्बो को देखते हैं। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को वापस अंदर नहीं जाने दूंगी। हमें जाना ही होगा आंटी, अगर टेरेंटो जेम्बो को खत्म करने में सफल हो गया तो वह पृथ्वी पर तबाही मचा देगा। इंस्पेक्टर धमाका सिंह और गुलाबती ने उन्हें बहुत रोकना चाहा, लेकिन ओह चिंता मत कीजिए अंकल आंटी, हमें कुछ नहीं होगा। इसे आदेश दो कि ये दीवार तोड़कर अंदर जा घुसे। कुर्कबाण के आदेश देते ही दीवार तोड़कर अंदर जा घुसी सुपर कार, भड़ाक और जा टकराई सीधी टेरेंटो से। धड़ाक ओह, कड़ाक ओह, उछलकर दूर जा गिरा टेरेंटो। ठीक उसी क्षण चीटी की सी फुर्ती से सुपर कार से कूदा राम और उसने उठा लिया नीचे पड़ा लकड़ी का नुकीला टुकड़ा। फिर तुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है टेरेंटो। अगले क्षण मर कुत्ते मर, खच आ, राम पागलों की भांति टेरेंटो पर वार पर वार कर रहा था। नहीं राम, ये वार तेरे शरीर से तेरी आत्मा को जुदा कर देगा। नहीं राम। अगले क्षण जेम्बो ने पकड़ लिया वह सी बने राम को। ये तुमने क्या कर डाला राम? मैंने उस शैतान को मार डाला। वो मरा नहीं है राम, तुमने उसे मारने का प्रयत्न करके उसकी शैतानी शक्तियों को जगा दिया है। शैतानी शक्तियां? उसी क्षण एक शैतानी आवाज से गूंज उठा सारा वातावरण। आह ओह, कांप कर ही तो रह गए थे उसकी तरफ देखने के बाद सभी। ओह नो, ये तो सचमुच शैतान है। अब हम इससे नहीं लड़ सकते राम, राम भागो। उफ, वो उनका पीछा कर रहा है, उसे रोकना होगा। अगले पल होल्ड ऑल अटैक और टकराने के लिए आगे बढ़ी सुपर कार, लेकिन उसे बीच में ही रोक लिया शैतान टेरेंटो के हाथों ने। ओह, और फेंक कर दे मारा दीवार पर। बड़ाम ओह, अभी कुर्कबाण संभल भी ना पाया था कि उफ, ओह, कुर्कबाण को बचाना होगा। अगले क्षण मेरे होते हुए बाण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू। भड़ाक बाण भाग, राम मेरे यान की तरफ आ जाओ। अंदर ये तुम क्या कर रहे हो जेम्बो? अब टेरेंटो को खत्म करने का यही एक तरीका है कुछ ही पल बाद, और वो तरीका है मेरे यान का नष्ट हो जाना। ये यान के अंदर आ रहा है। फिर मेरे पीछे आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलो। कुछ ही पलों में इस जगह के एक भयंकर विस्फोट से परखच्चे उड़ने वाले हैं। ओह, कुछ ही पल बाद आह, ये तुमने क्या किया जेम्बो? उसे समाप्त करने के लिए अपने यान को खत्म कर डाला। उसका खत्म होना मेरे यान से ज्यादा जरूरी था दोस्तों, लेकिन अब तुम अपने ग्रह वापस कैसे जाओगे? मेरे वापस लौटने की कोई समस्या नहीं है। जिस यान से टेरेंटो यहाँ आया था मैं उसे लेकर वापस लौट सकता हूँ। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नए कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।